हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सर? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट क्लासेस तक अपन ने सारे बीआरएस के क्वेश्चंस देखे। चैप्टर 4 अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया था, बीआरएस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए और बाकी सारे चैप्टर्स की भी अपन ने एमसीक्यूज टाइमली निपटा कंप्लीट कर दिए। तो इस क्लास में अपन को पेपर चैप्टर 5 देखना है, बट इस चैप्टर 5 को अपन लास्ट चैप्टर के लिए छोड़ देते हैं। चैप्टर 6 अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका वेटेज है आपके एग्जाम्स में 45 मार्क्स का, ऑलमोस्ट 50% आपके कवर करता है। थ्योरी वाला, मिसलेनियस थ्योरी, जो भी टॉपिक ऊपर के 5 चैप्टर में नहीं आते वो अपन ने मिसलेनियस थ्योरी में डाल रखे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, न्यूमेरिक्स हैं उसमें, कुछ इक्वेशंस हैं, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये है उसका वेटेज, ऑलमोस्ट आप देखेंगे हर पेपर में 65 मार्क्स का भी आया हुआ है, हाईएस्ट 67 का रिसेंटली 2017 में आया हुआ है, और 45 से 50 मार्क्स का एवरेज आपका इसका बना रहता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है चैप्टर 6, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 अपन बाद में करेंगे, पहले चैप्टर 6 को स्टार्ट करें। इसमें थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इक्वेशंस आ जाती हैं, कुछ न्यूमेरिक्स भी आते हैं, मतलब मिक्स मैच आता है पूरा। थ्योरी इसमें ज़्यादा है, लेकिन थ्योरी हमने समराइज फॉर्म में पूरी बनाई हुई है, तो इसको काफ़ी सिंप्लीफाई फॉर्म में अपन इसको करने की कोशिश करेंगे। ऑल दो काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है अकाउंट्स में भी, बट इसको मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 पेजेस में कवर किया हुआ है। तो 36 पॉइंट्स हैं उसमें अपन ने कवर इसको किया हुआ है। आइए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग एजम्पशंस, बिजनेस में कुछ एजम्पशंस देनी पड़ती है। बेसिकली 3 एजम्पशंस हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, जो पुराने मेथड्स अपन फॉलो करते हैं ना वो कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, और एक अक्रूअल मेथड। अक्रूअल मेथड अपन काफ़ी बार लगा चुके हैं कि इस साल के खर्च इसी साल और इस साल की इनकम इसी साल। तो फंडामेंटल एजम्पशंस बोलते हैं इनको। थ्योरी में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन क्या आएगा, इनमें से कौन से फंडामेंटल एजम्पशन है या फिर इनमें से कौन सा फंडामेंटल एजम्पशन नहीं है। तो 3 फंडामेंटल एजम्पशंस होते हैं, क्या गोइंग कंसर्न कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, इसका यूज़ क्या है। देखिए बिजनेस लंबे समय तक चलेगा तभी अपन प्रेजेंटेशन अच्छी करते हैं, सारे खर्चे के नाम अलग अलग शो करते हैं। जॉइंट वेंचर एक चैप्टर आता है आपके आईटीयू में, वो अपन डिस्कस करेंगे, वो शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, तो उसमें खर्चों के नाम डिस्क्लोज नहीं करते। जो भी खर्चा हुआ जॉइंट वेंचर, जो भी इनकम हुई जॉइंट वेंचर, ठीक। बेटर प्रेजेंट, यदि आपका बिजनेस लंबे समय तक जाने वाला है तो प्रेजेंटेशन, बेटर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसमें, इसलिए गोइंग कंसर्न का यूज़ होता है। अक्रूअल और मर्केंटाइल, इस साल के खर्चे इसी साल, इस साल की इनकम इसी साल, ऑल एक्सपेंसिव इनकम ऑफ करंट ईयर विल बी रिकॉर्डेड इन करंट ईयर, ठीक। इसका काफ़ी, इसका मोटिव क्या है इसका रखने का, ताकि आपका नेट प्रॉफिट जो निकल का है वो रियलिस्टिक प्रॉफिट हो, इसी साल का प्रॉफिट हो। जो फ्यूचर में होने वाली इनकम आपको अभी मिल गई तो उसको अभी रिप्लेस कर देंगे, उसको उसका इंपैक्ट अभी हटा देंगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूशन रिमेन सेम। जो भी आप पुराने मेथड्स चला रहे हैं उसी को आप कंसिस्टेंटली यूज़ कीजिए, चेंज मत कीजिए। चेंज करना है तो कुछ कंडीशंस में चेंज कीजिए, कि बेटर प्रेजेंटेशन आ रहा है तभी चेंज करना है, कोई लॉ कह रहा है कि इसको चेंज कर लेना चाहिए तभी चेंज कर रहे हैं। आईसीआई का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के, वो कह रहे हैं कि इसको चेंज कर लेना चाहिए, तो चेंज आप कर लीजिए। और बेटर प्रेजेंटेशन के लिए तो वो भी चेंज कर सकते हैं आप। बट ऐसे ही मतलब आप पहले डेप्रिसिएशन लगा रहे थे फर्नीचर पे 10%, अब लगाने शुरू कर दिया 15%, तो उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। चलिए, तो कंसिस्टेंट होना चाहिए मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, या इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जब करते हैं तो उसका मेथड को कंसिस्टेंटली रखना चाहिए। कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स बेसिकली काफ़ी सारे होते हैं, मैंने यहाँ रिलेवेंट ही लिखे हुए हैं। ऑलमोस्ट 8 प्रिंसिपल्स को अपन ने डिस्क्राइब किया हुआ है, जो कि थ्योरी में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आप, मैंने बहुत ज़्यादा ज़्यादा इसकी थ्योरी नहीं लिखी, कोई रिलेवेंट नहीं है, सिर्फ आप नाम से मतलब समझिए, केवल नाम आपको रिटेन रहेगा तो उससे ही आप उसका मीनिंग डिराइव कर पाएंगे। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी क्या बोलता है, बिजनेस अलग, मालिक अलग। जब कभी मालिक पैसा लगाता है, बेसिकली आप खुद को तो पैसा देते नहीं है, अपन जब मालिक बिजनेस में पैसा लगाता था अपन एंट्री करते थे, हैं तो दोनों सेम ही चीज़, बट यहाँ पे कंसेप्ट कहता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। जब भी आप मालिक पैसा लगाएगा तो बिजनेस को कभी ना कभी वापस देना है, तो आप बिजनेस को अलग लेके चलिए और मालिक को अलग लेके चलिए, ठीक। आप खुद को पैसा तो दे नहीं सकते या खुद से पैसा तो ले नहीं सकते, ठीक है। आप खुद की लायबिलिटी और खुद की असेट कैसे हो सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अपन बिजनेस में जो भी एंट्री करते हैं वो बिजनेस के अंदर करते हैं, मालिक ऐसा पैसा लगाएगा तो बिजनेस की लायबिलिटी माना जाएगा, कैपिटल माना जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली अपन ट्रीट करते थे। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है बिजनेस अलग, मालिक अलग, ठीक। मनी मेजरमेंट, आप उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि मनी में मेजर होते हैं, क्योंकि आप हर एंट्री में अपन अमाउंट जरूर लिखते थे। यदि कोई ट्रांजेक्शन मनी में मेजर नहीं हो सकता तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। चलिए, तो ये कहता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सपोज कीजिए मैंने आपको सर्विसेज दे दी जिसके मैं चार्ज नहीं करने वाला हूँ आपसे, या फिर चार्ज नहीं करने वाला हूँ, तो वो मनी में मेजर हो नहीं सकती। या फिर आपके फ्रेंड ने, आपके आपके घर में कोई फंक्शन था, आपका फ्रेंड आया थोड़ा काम करा के चला गया, तो वो आपको सर्विसेज तो दे गया बट वो मनी में मेजर नहीं हो सकती, ठीक है। और बिजनेस यहाँ पे, तो फिर इसको बिजनेस में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। चलिए, आपने बिजनेस ओपन किया, आपके फ्रेंड ने उस बिजनेस ओपन कराने में आपका हाथ बटाया, कुछ पैसा नहीं देंगे देंगे आप उसको, तो ये जो सर्विसेज आई मनी में मेजर नहीं हो सकती। मनी में मेजर होंगी सर्विसेज, उन्हीं को अपन रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं। रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजरेबल इन मनी, जो कि मनी में मेजर हो सकती हैं।
प्रूडेंट कंसेप्ट, और इसका दूसरा नाम होता है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेशन सुनेंगे आप कई जगह, कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंट। प्रूडेंट क्या होता है? समझदार व्यक्ति। अपन काफ़ी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। प्रूडेंट मतलब समझदार व्यक्ति। समझदार व्यक्ति क्या करता है कि सारे एक्सपेंसेस को दिखाता रहता है, बट सारे इनकम्स को, जो इनकम हो चुकी है उन्हीं को दिखाता है, अदरवाइज नहीं दिखाता। जो इनकम आपको मालूम है हो जाएगी फ्यूचर में, बट उनको अभी नहीं दिखाता, जब तक होगी नहीं, बट सारे खर्चेस को कंसीडर कर लेता है। तो प्रूडेंट कंसेप्ट समझदार व्यक्ति क्या करेगा, सारे खर्चेस को रिकॉर्ड कर देगा और सारे इनकम्स को रिकॉर्ड कर देगा जो एक्चुअल में हो चुकी हैं, जो नहीं हुई है उनको रिकॉर्ड नहीं करेगा। चलिए, रिकॉर्ड ऑल लॉसेज बट ओनली एक्चुअल इनकम। लॉसेस सारे रिकॉर्ड कर लो, आपको फ्यूचर में लग रहा है कि नुकसान हो सकता है उसको भी रिकॉर्ड कर लो, बट इनकम जो होगी वो एक्चुअल को रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोज का मतलब पूरा शो कीजिए, कुछ भी छुपाइए मत बिजनेस से। डिस्क्लोज ऑल डिटेल यूजफुल टू यूजर फॉर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी आपके यूजर्स हैं यूज़ कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपने लोन लग रखे हैं 3, बट आप बैलेंस शीट में लोन दिखा रहे हैं केवल लोन अमाउंट, तो आप डिस्क्राइब कीजिए, डिस्क्लोज कीजिए लोन आपने किससे ले रखा है, SBI से, HDFC से, अलग अलग बैंक से, क्या मोड है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सब कुछ डिस्क्लोज कीजिए। तो फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट कहता है ये। कन्वेंशन, मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मतलब आपने चाय का खर्चा होता है आपका महीने का 300 रुपये, ठीक है, तो आपको टी एक्सपेंसेस का अलग से लेजर मत बनाइए, क्योंकि वो ऐसे बनाएंगे तो कितने ही लेजर हो जाएंगे। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या होता है, जिनका अमाउंट मटेरियल है मतलब बड़ा है, उन्हीं को आप उनके नाम से स्पेसिफिक रिकॉर्ड कीजिए, अदरवाइज मिसलेनियस में डाल दीजिए। ठीक है, असेट महंगी असेट्स हैं तो उनको आप रिकॉर्ड कीजिए। आपने प्लास खरीदा, प्लास भी आपके लिए असेट है, ठीक है, तो उसको मिसलेनियस असेट्स में डाल दीजिए या फिर उसको खर्चा मान लीजिए। ठीक है, तो मटेरियलिटी का कहती है नो नीड टू रिकॉर्ड स्मॉल आइटम सेपरेटली। ड्यूअल आस्पेक्ट, ईच ट्रांजेक्शन हैव टू इम्पैक्ट्स। ड्यूअल आस्पेक्ट, ईच ट्रांजेक्शन हैव टू इम्पैक्ट। अपन हर बार देखते हुए रहते, आपको कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा, आपको कुछ मिला तो आपको पैसा चुकाना पड़ेगा, आपने किसी को कुछ दिया तो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, आपने फ्री में सैंपल में भी बांटा तो भी इसके दो इम्पैक्ट आ रहे थे, आपका एक खर्चा कम हो गया, दूसरा खर्चा बढ़ गया। ठीक, तो ड्यूअल आस्पेक्ट क्या कहता है, कुछ डेबिट होगा कुछ क्रेडिट होगा। ईच ट्रांजेक्शन है टू इम्पैक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या बोलती है, आपको हर ट्रांजेक्शन को कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है। ठीक, अभी अपना मार्केट, इंडियन मार्केट मैं कह सकता हूँ, फॉरेन मार्केट डेवलप हो चुकी है, वहाँ पे सब कुछ फेयर मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाता है, बट इंडियन मार्केट अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपन फेयर मार्केट वैल्यू की तरफ। बट अभी अपन असेट खरीदी आपने कॉस्ट पर रिकॉर्ड कीजिए, कोई भी चीज़ खरीदी आपने उसको कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, उसके बाद मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल अक्रूअल जैसी रहती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। अक्रूअल कहता है कि इस साल के खर्चे इसी साल, इस साल की इनकम इसी साल। मैचिंग कंसेप्ट कहता है यदि आपने कोई इनकम को दिखाया हुआ है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस सारे दिखा दीजिए। इफ इनकम इज रिकॉर्डेड देन रिलेटेड एक्सपेंसेस ऑल्सो भी रिकॉर्डेड, भले वो पे हुए हो ना या ना हुए। तो अक्रूअल का ये भाई है मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, मैचिंग से नाम से समझ में आ रहा होगा, इनकम दिखा दी तो उससे रिलेटेड उससे मैच वाले एक्सपेंसेस भी दिखा दीजिए। अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग सच पॉलिसी। ये थ्योरी है बेसिकली, इतना डीप जाना नहीं चाहिए, जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो प्रिंसिपल और उनको कैसे लगाना है, ऐसे बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो तीन चीज़ें अपन ने पढ़ी, अजम्पशंस, प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज। एक बार फटाफट देख लेते हैं, अजम्पशंस होते हैं 3, अक्रूअल, गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी। प्रिंसिपल काफ़ी सारे हो सकते हैं, मैंने सिर्फ रिलेवेंट लिए हुए हैं। बिजनेस एंटिटी, मालिक अलग, बिजनेस अलग, मनी मेजरमेंट, जिनको आप पैसे में माप सकते हो उन्हीं को रिकॉर्ड कीजिए। प्रूडेंट कंजर्वेटिव, समझदार व्यक्ति की तरह काम कीजिए, सारे नुकसान को रिकॉर्ड कीजिए, इनकम केवल एक्चुअल रिकॉर्ड कीजिए। फुल डिस्क्लोजर, सब कुछ दिखाइए। मटेरियलिटी, अमाउंट बड़ा है तो ही नाम डिस्क्लोज कीजिए, छोटे अमाउंट के लिए मिसलेनियस में डाल के खत्म कर दीजिए। ड्यूअल आस्पेक्ट, डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट, सब कुछ हर किसी को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कीजिए। मैचिंग प्रिंसिपल, यदि इनकम दिखाइए तो फिर आप उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी दिखाइए। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। बेसिकली इसमें सारे 36 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने काफ़ी क्रक्स रखा हुआ है ताकि आपको रिटेनेबल ज़्यादा हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट। टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस कितने होते हैं, रिसिप्ट को भी आप इग्नोर कर दीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या होते हैं? देखिए बिजनेस क्या करेगा, या तो असेट खरीदेगा या नॉर्मल एक्सपेंस होगा या फिर डिफर्ड रेवेन्यू होगा, रिसिप्ट कभी भूल जाइए। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, यदि आप कोई असेट खरीद रहे हैं तो वो कैपिटल असेट होता है। कैपिटल मतलब यहाँ पे कैपिटल का मतलब है बड़ा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बड़े खर्चे, बड़े खर्चे मतलब बिजनेस ने असेट खरीदी तो वो कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। चलिए परचेज ऑफ असेट, नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट कभी भूल जाइए आप। रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस जो अपन कमाई के लिए कर रहे हैं, कुछ कमाने के लिए अपन ने खर्चा किया तो उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू का यहाँ पे मतलब, रेवेन्यू के दो मतलब होते हैं, एक इनकम और एक डे टू डे। तो यहाँ पे रेवेन्यू का मतलब है डे टू डे एक्सपेंसेस, नॉर्मल या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, डिफर्ड रेवेन्यू क्या होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है डिफर्ड रेवेन्यू का। डिफर्ड रेवेन्यू का मतलब कोई ऐसा खर्चा जो एक साल के लिए नहीं है, 2-3 साल के लिए, आने वाले 2-3 साल के लिए यूज होगा। वाइट वॉशिंग एक्सपेंसेस सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है डिफर्ड रेवेन्यू का। आपने कोई पेंट करवाया अपने बिजनेस के प्रमाइसिस की बिल्डिंग में, वो आपको मालूम है पेंट 5 साल तक चलेगा, आपको 5 साल तक पेंट नहीं कराना, फिर 5 साल के बाद पेंट कराएंगे अपन। ठीक है, तो उस पेंट पे आपका खर्चा हुआ 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए खर्चा कितने साल का है, 5 साल का। मैंने खर्चा कर पूरा इसी साल दिया, बट है कितने साल का, ये 5 साल का। तो इससे बोलते हैं डिफर्ड, मतलब एक पीरियड से ज्यादा का है। रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस।
तो ये खर्चा कितना होना चाहिए, 5 साल का है 20 लाख रुपए, तो हर साल का एक्सपेंस होगा 4 लाख रुपए। तो इसे बोलते हैं एक्सपेंसेस बिलोंगिंग टू मल्टीपल ईयर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, जितने साल का खर्चा है ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, उतने साल में इसको स्प्लिट कर दीजिए। जैसे कि आपने 20 लाख रुपए खर्च किया इस साल, ठीक है, तो इस साल का खर्चा है 4 लाख रुपए, आप पीएनएल में ले जाइए, 16 लाख रुपए जो बचता है आपका अधिकार है कि आने वाले सालों में भी आप उसको खर्चा मान सकते हैं, ये जाता है असेट साइड में। इसका आगे लिख लीजिए आप मिसलेनियस एक्सपेंडिचर असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, पूरा लिख लीजिए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एरो देके असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक, इसकी एंट्री और देख लेते हैं अपन। आपने व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंसेस पे किए 20 लाख रुपए, एंट्री क्या करेंगे, व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश या टू बैंक। ठीक, व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंसेस डेबिट क्योंकि ये आपकी असेट है, ये आपकी असेट है। ये इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए, आपने 20 लाख रुपए का पेमेंट किया तो 4 लाख रुपए आपका खर्चा है, 16 लाख रुपए आने वाले साल का एक्सपेंस है, मतलब आपके पास अधिकार है आने वाले साल में भी आप उनको राइट ऑफ कर सकते हैं, खर्चा मान सकते हैं। ठीक, तो आप दो पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए इस एंट्री को, 20 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए करंट ईयर का खर्चा है, 16 लाख रुपए आने वाले साल का खर्चा है। तो 4 लाख रुपए का खर्चा कैसे करेंगे आप, व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंसिस डेबिट टू कैश, एक पीएनएल में जाएगा एक कैश में से माइनस हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल खर्चा था। अब बचा 16 लाख रुपए जो आने वाले 4 सालों का खर्चा है, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डिफर्ड व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंस, मतलब डिफर्ड है 4 साल तक यूज कर सकते हैं उसको, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, डिफर्ड असेट है मेरी, असेट क्यों, मेरे पास अधिकार है 4 साल तक मैं उस खर्चा मान सकता हूँ। ठीक है, तो वो असेट है कहाँ जाएगी, अब बैलेंस शीट के असेट साइड में, यहाँ पे लिख लीजिए आप मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन में थ्योरी बार आ चुका है एक बार। चलिए, कैश डिपॉजिटेड विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री क्या बोलते हैं, कौन, अच्छा रिसिप्ट रह गया अपना। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, आपने असेट खरीदी उसको उसको जो खरीदने पे खर्चा हुआ उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस पर डेप्रिसिएशन मिलता है। रिसिप्ट क्या होगी, नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, इनको बेचा आपने, असेट खरीदी तो खर्चा, असेट बेचा तो, असेट बेचा तो आपकी इनकम है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंसेस मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब डे टू डे होने वाली इनकम्स, सेल्स हो गई, अदर इनकम्स हो गई, वो सब रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएंगी। डिफर्ड रेवेन्यू का रिसिप्ट नहीं होती, डिफर्ड रेवेन्यू केवल एक्सपेंस होता है। चलिए, इसमें आप लिख लीजिएगा बस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसके बाद देखते हैं कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब, यदि आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा जिस ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक का नाम आ रहा हो, तो बेसिकली दो ही ट्रांजेक्शन होते हैं, जहां आपने बैंक में पैसा जमा कराया और जहां बैंक से पैसा निकाला, तो यही दो कॉन्ट्रा एंट्री में आते हैं केवल। तो यही दो कॉन्ट्रा एंट्री में आते हैं केवल। थ्योरी में पूछा आपसे कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, तो जिस ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक का नाम आ रहा हो केवल, तो वही कॉन्ट्रा एंट्री आते हैं। बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक से पैसा निकाला, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, कैश बेसिस अक्रूवल अपन ने पढ़ा था, इस साल के खर्चे इसी साल, इस साल की इनकम इसी साल, भले आपने पे किया हो या नहीं, या आपको पैसा मिला हो या नहीं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलती है। यदि आपको पैसा आपने खर्च किया, पैसा आपके यहाँ से गया, तो ही आपका खर्चा माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। पैसा आपके पास आया तो ही आपकी इनकम मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं। रिकॉर्ड ओनली एंट्री फॉर पेमेंट एंड रिसिप्ट, केवल पैसा आया और पैसा गया उसको रिकॉर्ड करते हैं, तभी इनकम और एक्सपेंस माना जाता है। कैश बेसिस इज इनवर्स ऑफ अक्रूअल कंसेप्ट, उल्टा होता है इसका। जनरली एनपीओ फॉलो करते हैं, एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता, जनरली वो लोग फॉलो करते हैं। सोसाइटीज देख लेंगे आप, सारी सोसाइटीज वगैरह, ट्रस्ट वगैरह, मंदिर वगैरह के जितने ट्रस्ट होते हैं, कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। चलिए, उसके बाद मिसलिनियस थ्योरी, चैप्टर 6 के और पॉइंट्स में अपन जाते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये अपन ने काफ़ी अच्छे से देखा, असेट लाइबिलिटी एक्सपेंस और इनकम। एक मॉडर्न मेथड अपन पढ़ रहे थे, एक ट्रेडिशनल मेथड और होता है पर्सनल रियल नॉमिनल। ये मैंने आपको अभी तक टच ही नहीं कराया, क्यों नहीं कराया, क्योंकि ये होता है कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग में मैं यदि आपको ये पढ़ाने लगता है पर्सनल रियल नॉमिनल, तो मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, लेकिन वो फ्लो नहीं आता जो अपना असेट लाइबिलिटी में आता है, जो अपन ने दो लाइन में कवर अप कर लिया था। असेट बढ़ेगी तो डेबिट, असेट गिरेगी तो क्रेडिट, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट और इनकम गिरेगी तो डेबिट, ऐसी एक्सपेंसिस और ऐसी लाइबिलिटीज को अपन ने देखा था। केवल हार्डली दो लाइन में अपन इसको कवर कर लिया था। ट्रेडिशनल मेथड क्या बोलता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल, अपन ने 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया था, ये लोग 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर। अब मैं आपको लिंकिंग बताऊंगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं थ्योरी के, कि ये पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल, आप ये बताइए, तो अपन इसको छोड़ेंगे नहीं, अपन इसको भी कवर करेंगे। चलिए, तो पर्सनल अकाउंट होते हैं 3 तरीके के, दो तरीके के, एक नेचुरल पर्सन, आपके और मेरे जैसे ह्यूमंस, एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, जो आपने और मैंने क्रिएट किए, जैसे कि कंपनी, बैंक, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, एचयूएफ, तो ये सब अपन ने क्रिएट किए हुए, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन कहलाएगी।
कागजों पे अपन ने बनाई है, कंपनी, पीएफ, ट्रस्ट, एक्सेट्रा, सब कुछ, इंडिविजुअल्स को छोड़ के। नेचुरल पर्सन में आ गए इंडिविजुअल, आपके और मेरे जैसे, आर्टिफिशियल पर्सन जो आपने और मैंने क्रिएट की, तो इसे बोलते हैं पर्सन। उसके बाद रियल अकाउंट, सारी नॉन लिविंग थिंग्स रियल अकाउंट में जाती हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है, जनरली फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। आपने फर्नीचर खरीदा, एसी खरीदा, कूलर खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, ये नॉन लिविंग थिंग है, तो वो सब फिक्स्ड एसेट्स में आएगी और इसे रियल अकाउंट बोलेंगे। ठीक, नॉमिनल अकाउंट, सारे एक्सपेंसेस और इनकम को आप नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो फिर आप क्या कीजिए, एक्सपेंसेस और इनकम से एक एरो निकालिए दोनों से और नॉमिनल में जोड़ दीजिए, तो एक्सपेंसेस इनकम बराबर हो गए नॉमिनल के। ठीक, लायबिलिटी और असेट, असेट में क्या होता है, दो तरीके होते हैं, एक असेट होता है फिक्स्ड असेट्स और दूसरा होता है किसी से पैसा लेना है, अधिकार, वो भी असेट होता है। ठीक, तो असेट दोनों में जा सकती है, यदि किसी बंदे से, किसी बैंक से, पर्सन से पैसा लेना है तो वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा, यदि वो फिक्स्ड असेट है आपकी असेट तो रियल अकाउंट में जाएगा। लायबिलिटी क्या होती है, आपको किसी को पैसा चुकाना है, 100% श्योरिटी है कि लायबिलिटी आप किसी पर्सन को ही पैसा चुकाएंगे, किसी पर्सन को ही पैसा चुकाएंगे और किसी को तो नहीं। ठीक है, तो लायबिलिटी हमेशा पर्सनल अकाउंट में जाएगी। ठीक, सोचना कैसे अपन को, पर्सनल मतलब दो कैटेगरीज, इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल, रियल मतलब सारी नॉन लिविंग थिंग्स और नॉमिनल मतलब एक्सपेंसेज या इनकम्स, काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इसके अलावा आपको रूल्स वगैरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल जाने की जरूरत नहीं है, अपन ने जितना कवर कर लिया एग्जाम्स के लिए 100% सेटिस्फाइड है। चलिए, और कवरेज भी 100% है, बस आपको रियल पर्सनल नॉमिनल क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए था। आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ लॉसेस, दो तरीके के लॉसेस होते हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। आप थोड़ा सा कोरिलेट कर पाएंगे यदि आप पेट्रोल का एग्जाम्पल देखेंगे, तो पेट्रोल जब ट्रैवल करता है ना तो वो उड़ जाता है, उसका नेचर ही ऐसा है। कोयला ट्रैवल करता है तो उसका वजन कम हो जाता है, आपने 200 किलो कोयला भेजा, वो रह कट के 190 किलो या 195 किलो, जो भी उसकी प्रॉपर्टी उतना ही रह जाएगा, तो इसे बोलते हैं नॉर्मल लॉस। अनअवॉइडेबल लॉस रहते हैं जिनको आप रोक ही नहीं सकते, तो इस केस में करते क्या है, आपने 200 टन कोयला भेजा, आपको मालूम है 2 टन इसमें से उड़ जाएगा, वजन कम हो जाएगा, तो आप 198 टन कोयले की कॉस्ट क्या मानेंगे, जो आपने टोटल पूरे 200 की कॉस्ट मानी, तो पूरे की कॉस्ट को आप 198 की कॉस्ट मान लेते हैं, तो कोई एंट्री नहीं करते, अनअवॉइडेबल है, इसका इंश्योरेंस भी नहीं होता। प्रॉपर्टी है किसी चीज़ की, वो खत्म होगा ही होगा, कम वैल्यू होगी होगी, इंश्योरेंस कंपनी पर आप इंश्योरेंस कराने जाएंगे ना, वो आपसे कोयले का इंश्योरेंस करेगी नहीं, क्योंकि उसको मालूम है उसको घाटा ही होना है हर बार। चलिए, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोल और पेट्रोल। एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं, आग लग गई, चोरी हो गई, रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो इनको बचाया जा सकता है, इनका इंश्योरेंस कराया जा सकता है, आग के लिए फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, चोरी हो गई उसके लिए गार्ड्स लगे होने चाहिए, तो इनको बचाया जा सकता है। तो लॉस बाय थेफ्ट, फायर एक्सेट्रा अवॉइडेबल होते हैं ये, इनकी एंट्री करते हैं अपन और इनका इंश्योरेंस भी पॉसिबल है। एंट्री क्या करते हैं एबनॉर्मल लॉस की, अभी एंट्री का फोकस मत कीजिए इसको, क्योंकि आईटीआई में ज़्यादा पूछता नहीं है, आईटीओ में पूछता है, वो अपन आईटीओ में देख लेंगे, तो एंट्री को अभी स्किप कर दीजिए आप, जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको हाल के यहाँ पे आके बताऊंगा। ठीक है, अभी स्किप कर दीजिए आप। चलिए, उसके बाद क्योंकि रिलेवेंस ही देख रहे हैं अपन, ये एंट्री याद नहीं हो पाएगी आपको, मैं लॉजिक के साथ आपको कराऊंगा जब क्वेश्चन आएगा तब। चलिए, इक्वेशन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, केवल रिलेवेंट इक्वेशन रखी है, इक्वेशन तो काफ़ी सारी है, फॉर्मुलेस बहुत सारे हैं अकाउंट्स में भी, चलिए, बट अपन को रिलेवेंट ही पढ़ना है। अपन ने पढ़ा था बैलेंस शीट के दो पार्ट्स होते हैं, एक लायबिलिटी साइड और एक असेट साइड, तो उसकी इक्वेशन कैसे बनती है, अब लायबिलिटी साइड को बराबर असेट साइड, अपन ने देखा था लायबिलिटी और असेट दोनों बराबर होती हैं, तो लायबिलिटी साइड में दो पार्ट होते हैं, कैपिटल मालिक ने पैसा लगाया, लायबिलिटी बाहर के लोगों ने पैसा लगाया, तो उन दोनों को जोड़ दीजिए तो असेट बन जाती है, तो बैलेंस शीट से डिराइव हुई है इक्वेशन, काफ़ी सिंपल है, एक साइड लायबिलिटी और कैपिटल, दूसरी साइड असेट, तो दोनों को लायबिलिटी और कैपिटल को जोड़ दूँ तो असेट के बराबर बन जाएगा मेरा, तो यही इक्वेशन है। क्वेश्चन में न्यूमेरिक्स आएंगे कि लायबिलिटी दे दी, असेट दे दी, कैपिटल पूछ रहा है, तो यहाँ से इसी फॉर्मूले से आपको डिराइव करना पड़ेगा, कैपिटल बराबर असेट माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटी को कहाँ ले जाएंगे आप उधर। चलिए, तो ये बैलेंस शीट से डिराइव हुई, उसके बाद एक डिराइव होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, जो आपने माल बेचा उसकी कीमत क्या है, कॉस्ट, कीमत ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा उसकी कीमत क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो माल मेरे शुरुआत में था प्लस मैंने जो खरीदा प्लस उस पर कुछ खर्चे किए, डायरेक्ट खर्चे, ट्रेडिंग में आने वाले खर्चे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो माल मेरे पे बचा हुआ अभी, तो उसका मतलब क्या है, जो माल मैंने एक्चुअल में बेच दिया उसकी कीमत, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलेगा। आपको ट्रेडिंग अकाउंट वाला याद रखना है, इसके आगे लिख लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से याद आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक जो शुरुआत में था, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते थे अपन, आप थोड़ा सा फॉर्मेटिंग याद कीजिए। सो ये होता था आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट, मैं यदि लाइबिलिटीज को, कैपिटल को और लाइबिलिटी को जोड़ दूँ दोनों को तो मेरी असेट के बराबर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला यहीं से ड्राइव हुआ, काफी सिंपल है। उसके बाद अपन ने देखा था ट्रायल बैलेंस वाला, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट वाला फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस उसमें परचेस कर देते हैं, नेट परचेस का मतलब परचेस माइनस परचेस रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस गोडाउन को लाने तक के खर्चे माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो उससे मेरी क्या निकल जाती थी, जो मैंने माल बेचा उसकी कीमत। चलिए, तो आगे देखते हैं, एक और पॉइंट आपके क्वेश्चन में थ्योरी में आता रहता है, एडजस्टेड परचेस क्या होती है,
तो एडजस्टेड परचेज सिमिलर टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहती है, बट उसमें आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हटा दीजिए, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हटा दीजिए, बाकी आप देखेंगे ओपनिंग प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बिल्कुल सिमिलर टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, बट डायरेक्ट एक्सपेंसेस शामिल नहीं करते, तो इसे बोलते हैं एडजस्टेड परचेज। तो ये भी बोल सकता हूँ मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकाल सकते हैं, एडजस्टेड परचेज में मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस प्लस कर दूँ तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ सकता है, इसी से डराया हुआ है। चलिए फिर अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट को काफी अच्छे से देखा था, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल आपने बेचा उसकी कीमत आपको मालूम पड़ गई ऊपर से, सेल में से माइनस कर दीजिए तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में पूछे तो अपन को ट्रेडिंग अकाउंट बना के पता कर सकते हैं उसको, तो अपन बनाएंगे अभी क्वेश्चन में। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इनडायरेक्ट खर्चों को माइनस कर दीजिए, ऐसे निकालते थे अपन ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में। एवरेज स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का बाय टू, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय टू, तो एवरेज स्टॉक आ जाता है। नेट असेट्स किसे कहते हैं, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज को नेट असेट्स बोलते हैं। नेट वर्थ मतलब होती है कैपिटल आपकी, आपकी पूंजी कितनी है बिजनेस में। चलिए तो नेट कैपिटल कैसे निकालते हैं, असेट लाइबिलिटी को मैं उधर ले जाऊंगा, असेट माइनस लाइबिलिटी तो वही लिखा हुआ, टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल, टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटी बाहर के बंदों की लाइबिलिटी, तो नेट वर्थ कहलाती है। असेट्स क्या होगा, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये अपन ने ऊपर देखा रिपीट हो गया, ये नेट वर्थ भी रिपीट हो रहा है, तो ये दो फॉर्मूला नीचे रिपीट हो रहा है। चलिए उसके बाद अपन देख रहे हैं लूज टूल्स, क्वेश्चन आए हुए आपके लूज टूल्स के ऊपर, फिक्स असेट्स और एक्सपेंसेस। लूज टूल्स क्या होता है, पाना, पेचकस, नट बोल्ट, तो इन्हें बोलते हैं लूज, मतलब खुले में टूल्स, छोटे मोटे टूल्स। तो यदि इनकी वैल्यू बड़ी है तो आप इनको फिक्स असेट बनाइए, काफ़ी सारे लूज टूल्स महंगे आते हैं, काफ़ी सारे लूज टूल 5, 10, 15, 20 रुपये, 100 रुपये के आ जाते हैं, तो यदि आपकी छोटी वैल्यू है तो उसे खर्चा मान के खत्म कीजिए, यदि आपकी वैल्यू बड़ी है तो उसे फिक्स असेट बनाइए, उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कीजिए बकायदा, तो मटेरियलिटी के हिसाब से आप उस पर डिसाइड कीजिए। चलिए उसके बाद पॉइंट नंबर 10, डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, ये काफ़ी डिस्कशन वाला पॉइंट है, बट लेट इट बी सिंपल, कुछ याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना। चलिए बस जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे करते जाइए। परचेज रिटर्न की मुझे एंट्री बताइए, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, आपने माल बेचा था, सामने वाले से पैसा लेने का अधिकार जनरेट हुआ, उसको असेट बनाया था अपन ने, अभी सॉरी आपने माल खरीदा है, परचेज की बात कर रहे हैं, आपने माल खरीदा है तो आपने जब माल खरीदा था तो एंट्री क्या करी थी, परचेज अकाउंट डेबिट, मेरा खर्चा बढ़ रहा है, असेट बढ़ती, सॉरी खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, टू मेरी लाइबिलिटी टू वेंडर, मतलब जिससे मैंने माल खरीदा, क्यों, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है। रिटर्न के टाइम क्या करेंगे आप, उल्टा, उसको मैंने माल वापस कर दिया तो मेरी लाइबिलिटी भी कम हो गई और मेरा खर्चा भी कम हो गया, ठीक है, तो एंट्री क्या करेंगे, पार्टी अकाउंट डेबिट टू आपका परचेज रिटर्न, पार्टी डेबिट क्यों, मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, अब पैसा कम देना पड़ेगा उसको, परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों, मेरे खर्चे कम हो गए, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोचना है पार्टी क्या हो रही है, पार्टी डेबिट हो रही है अपने ट्रांजेक्शन में परचेज रिटर्न के केस में, तो उसको देंगे अपन डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है, ये एक एक फॉर्मेटेड वो रहता है, इसमें लिखा रहता है कि हम आपको डेबिट कर रहे हैं इस अमाउंट से, रीजन लिखा रहता है क्योंकि हमने आपको माल वापस किया, तो डेबिट नोट दिया जाता है परचेज रिटर्न के टाइम पे। चलिए परचेज रिटर्न के टाइम पे डेबिट नोट दिया जाता है, क्यों, क्योंकि हम पार्टी को डेबिट कर रहे हैं। एंट्री सोचिए, कभी भी कंफ्यूजन आए तो पार्टी डेबिट हो रही है तो डेबिट नोट। सेल्स रिटर्न के केस में क्या होगा, एंट्री बताइए मुझे, सेल की एंट्री क्या करते थे, पार्टी अकाउंट डेबिट जिससे पैसा लेना है टू सेल्स, पार्टी डेबिट क्यों, क्योंकि पैसा लेने का अधिकार है, असेट बढ़ी, असेट बढ़ती है तो डेबिट, टू सेल्स क्यों, इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ती है तो करें। अब वो पार्टी अपन को माल वापस करके एंट्री क्या करेंगे, आप आपकी इनकम कम हो गई, सेल्स रिटर्न बोलते हैं से, और पार्टी से पैसा कम मिलेगा तो असेट भी आपकी कम हो गई, आपका पैसा मांगने का अधिकार कम हो गया, तो एंट्री क्या करेंगे आप, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी, सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों, मेरी इनकम कम हो गई, इनकम कम होती है तो डेबिट, टू पार्टी क्यों, क्योंकि पार्टी से पैसा कम मिलेगा, असेट कम हो गई, असेट कम होती है तो क्रेडिट। सिंपल है, काफी सिंपल चलेंगे अपन इस पे, तो पार्टी को क्रेडिट कर रहे हैं इसलिए क्रेडिट नोट देंगे, यहाँ पे अपन उसको बोलेंगे हमने आपको क्रेडिट किया क्योंकि आपने हमें माल वापस किया, ठीक है। फिर डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्यों, इसमें कोई एंट्री नहीं होती, कैश डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, इट मे बी इनकम और एक्सपेंसेस। चलिए ट्रेड डिस्काउंट होता है लुभाने के खर्चे, सपोज कीजिए आप गए बिग बाजार के शोरूम पे, बिग बाजार को हटा देते हैं, पूमा के शोरूम पे गए, उसमें लिखा हुआ है 80% फ्लैट ऑफ, क्या 80% उसकी कमाई होती होगी, कोई 10,000 का जूते पे 8,000 रुपये वो कमाता होगा, डेफिनेटली नहीं कमाता होगा। वो लोग क्या करते हैं, 2,000 रुपये की प्राइस टैग को छुपा के 10,000 रुपये कर देते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि हम 80% का डिस्काउंट दें, तो अल्टीमेटली ये लुभाने का एक्सपेंस है, लुभाने के लिए डिस्काउंट दिया जा रहा है, सिर्फ ये प्राइस बढ़ा के कम कर देते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है, तभी इसकी एंट्री नहीं होती। एंट्री किस प्राइस से होगी, 2,000 रुपये से, सेल वो दिखाएगा 2,000 रुपये से, यदि वो 10,000 से सेल दिखाने लगेगा तो उसको जीएसटी 10,000 रुपये देना पड़ेगा, जितना उसने कमाया नहीं, जितने का उसका प्रॉफिट नहीं होगा उतना, उससे ज़्यादा उसको जीएसटी देना पड़ेगा, तो ये सिर्फ लुभाने का, इस पर एंट्री नहीं होती। कैश डिस्काउंट क्या होता है, बिजनेस में आपने टर्म सुनी होगी, 30 दिन के अंदर पैसा दे दो 1% आपको डिस्काउंट दे देंगे, तो इसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट, क्यों, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, आप ताकि आप जल्दी पेमेंट कर दो, ठीक है। ये डिस्काउंट आपको मिला तो आपकी इनकम है, और ये डिस्काउंट आपने दिया तो आपका खर्चा है, तो दोनों ही हो सकता है, इनकम एक्सपेंस। कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब इनकम, डिस्काउंट अलाउड मतलब आपने दिया, ये आपका खर्चा है। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, ये क्वेश्चन में आप रिटेन कर लीजिए, मतलब इसको स्टार मार्क कर लीजिए, एक क्वेश्चन आ चुका है और आने के चांसेस हैं एक आध क्वेश्चन के।
यदि आप असेट्स को रीवैल्यू करते हैं, रीवैल्यू क्यों करते हैं, आपने खरीदी थी असेट 10 लाख रुपए की 10 साल पहले, आज उसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए, तो आपको असेट को रीवैल्यू करना चाहिए, आज की वैल्यू पर लेके आना चाहिए। बट अभी अपने मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए जो इंडेक्स नए आए हैं वो बोलते हैं कि आपको फेयर मार्केट वैल्यू पर लिखना चाहिए, रिवैल्यू करना चाहिए, बट छोटी एंटिटीज जो है उस पर अभी नहीं रखते। तो आप यदि फर्स्ट टाइम रिवैल्यू करें तो उस पर होने वाला जो प्रॉफिट लॉस है, मैंने 10 हज़ार की खरीदी आज 2 करोड़ वैल्यू है, तो 1 करोड़ 99 लाख रुपए का करीब का जो प्रॉफिट आएगा मुझे वो मेरा माना जाएगा रिवैल्यूशन प्रॉफिट। इसी केस में लॉस भी हो सकता है, वो 10 हज़ार की चीज़ 1 हज़ार की रह गई, तो जो भी रिवैल्यूशन लॉस होगा वो आप पी एंड एल में डाल दीजिए यदि फर्स्ट टाइम रिवैल्यू कर रहे हैं। और यदि फर्दर रिवैल्यू कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं उसको, तो फिर आप रिवैल्यूशन रिजर्व एक अकाउंट बनाइए, उसमें डालिए। बहुत ज़्यादा टिपिकल अंदर जाने की जरूरत नहीं है इसमें, बस आप ये याद रखिए फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पी एंड एल, अदरवाइज रिवैल्यूशन रिजर्व। चलिए टाइप्स ऑफ एंटिटी क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ पर्सन अपन ने इनकम टैक्स में देखा हुआ है, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, AOP, BOI, सोसाइटीज, काफ़ी तरीके की हो सकती हैं। चलिए अकाउंटिंग में दो तरीके की होती हैं, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO। प्रॉफिट मेकिंग इसके आगे लिख दीजिए गोइंग कंसर्न, अक्रूअल कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी सब फॉलो करेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, कुछ फॉलो नहीं करेगा, ये सिर्फ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ लिख दीजिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, पैसा आया तो इनकम, पैसा गया तो खर्चा। चलिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या बनाते हैं आप, दे प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, P&L अकाउंट का दूसरा नाम है यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट का जिक्र बार बार किया हुआ है, तो P&L अकाउंट है केवल, इनकम एक साइड, एक्सपेंस दूसरी साइड लिखिए, नेट प्रॉफिट निकाल दीजिए, आंसर में वही पूछेगा आपसे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट मतलब पैसा आया और पेमेंट मतलब पैसा गया, तो ये कैश और बैंक अकाउंट जैसा चलता है, बिल्कुल सेम रहता है, एक साइड पैसा आया दूसरी साइड पैसा गया, बैलेंस शीट बनानी रहती है। तो अपन वहाँ पे भी नॉर्मल बिजनेस में भी यही बनाते थे P&L बैलेंस शीट, यहाँ पे भी यही बोल रहा है P&L बैलेंस शीट, एक कैश अकाउंट वहाँ पे भी बनाते थे कैश और बैंक अकाउंट। NPO कैन मेक देयर अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस, चलिए कैश बेसिस पे ही बनाते हैं वो ज़्यादातर। डोनेशन, आपको डोनेशन मिला फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ कि मतलब सपोज कीजिए आप एक स्कूल चला रहे हैं, आपको डोनेशन मिला कि यहाँ पर टॉयलेट्स बनवाइए, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या है, इनिशियल लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों है, यदि आपने वो टॉयलेट नहीं बनवाया तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। चलिए तो जब आप टॉयलेट बनवा देंगे, पूरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, फिर आपकी वो इनकम में कन्वर्ट होगा, या फिर जो खर्चा आप पे कर रहे हैं वो उसी लायबिलिटीज में से पे कर दीजिए। चलिए तो कैपिटल रिसिप्ट भी बोलते हैं, अदर डोनेशन आपको मिले हैं तो वो होते हैं इनकम, क्योंकि वो जनरल डोनेशन है, जहाँ आपको पैसा लगाना है वहाँ लगा दीजिए, तो वो आपकी इनकम है, कमाई। चलिए फी टू सोसाइटी, ट्रस्ट, क्लब एक्सेट्रा, सोसाइटी ट्रस्ट होते हैं उनकी मेंबरशिप फीस जाती है, दो तरीके की फीस होती है, एक एंट्रेंस फीस, आपने ज्वाइनिंग फीस बोलते हैं जैसे, और दूसरी होती है एनुअल मेंटेनेंस फीस। तो एनुअल मेंटेनेंस फीस जो क्या वो जो होती है, वो होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और इनकम। सोसाइटीज़ के लिए क्या होती है, सालाना पैसा आएगा ही आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट है, इनकम है, कमाई है। एंट्रेंस फी क्या होती है, ज्वाइनिंग फीस, जब कभी कोई मेंबर जाएगा तो उसे पैसा वापस लौटाना पड़ता है। ये बेसिकली एक मार्जिन जमा कर लिया जाता है ट्रस्ट के थ्रू, कि जो मेंबर है वो कोऑर्डिनेट करके ही चले ट्रस्ट के साथ कुछ गलत ना करे, करेगा तो वो उसके पैसे में से काट लिया जाएगा। कैपिटल रिसिप्ट एंड लायबिलिटी, इंट्रेंस फी ज्वाइनिंग फीस है आपके लिए क्या, बिजनेस के लिए क्या है, सोसाइटीज़ के लिए क्या है, लायबिलिटी, जब मेंबर जाएगा तो पैसा चुकाना पड़ेगा, कैपिटल रिसिप्ट और लायबिलिटी। चलिए टाइप्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है आखिरी में, साल के आखिरी में जो स्टॉक बचा, तीन तरीके का होता है, या तो वो कच्चा होगा, या आधा कच्चा होगा, या फिर पूरा तैयार होगा, तो उसे बोलते हैं रॉ मटेरियल, पूरा कच्चा, वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ बन चुका है कुछ कच्चा है, और फिनिश गुड्स मतलब पूरी तरीके से तैयार। चलिए डेप्रिसिएशन, तो अभी अपन 17 पॉइंट पे ही छोड़ रहे हैं, अगली क्लास में अपन इसको और कवर करेंगे, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, अपन इसको अगली क्लास में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद अपन इसके MCQs को स्टार्ट करेंगे, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।